बहुत पहले प्रजापति कर्दम के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। यह इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। एक बार राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। कई जानवरों का शिकार करने के बाद भी राजा इल का मन नहीं भरा, तो वह शिकार खेलते खेलते उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। देवी पार्वती का मन प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस समय अपने आप को भी स्त्री बना लिया था। भगवान शिव के स्त्री रूप धारण करते ही उस पर्वत के वन के अंदर के सभी पुरलिंग नाम के जंतु और वृक्ष सभी स्त्रीलिंग हो गए थे। इसलिए उस वन में शिकार खेल रहे राजा इल और उनके सैनिक सभी स्त्री बन गए थे। अपने आप को स्त्री रूप में देखकर राजा इल को बड़ा ही ज्यादा दुख हुआ, और जब उन्हें यह पता चला कि यह सब भगवान शिव की इच्छा से हुआ है तो वह और भी ज्यादा भयभीत हो गए थे। तब राजा इल भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। उन्हें देख भगवान शिव ने इल से कहा, पुरुषत्व को छोड़कर जो भी वर चाहो मांग लो। जब भगवान शिव ने राजा इल को पुरुषत्व का वर देने से मना कर दिया, तब राजा इल ने भगवान शिव से दूसरा कोई और वर नहीं मांगा और वह देवी पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। तब देवी पार्वती ने राजा इल से प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो पुरुषत्व प्राप्ति का वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो स्वयं महादेव है। मैं सिर्फ पुरुषत्व का आधा भाग ही दे सकती हूँ, यानी तुम अपना आधा जीवन पुरुष बनकर रह सकते हो और तुम्हें अपना आधा जीवन स्त्री बनकर ही व्यतीत करना होगा। अतः तुम कब स्त्री रूप में रहना चाहते हो और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो यह सोचकर मुझे बताओ। तब राजा इल ने बड़ा ही सोच समझकर पार्वती जी से यह कहा कि मैं एक महा स्त्री के रूप में रहूं और एक महा पुरुष के रूप में रहूं। राजा इल की यह बात सुनकर देवी पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से यह भी कहा कि तुम जब पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा और तुम जब स्त्री रूप में रहोगे तब तुम्हें अपने पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस प्रकार राजा इल तो एक महीने स्त्री इला और एक महीने तक पुरुष इल होने का वरदान पा गए थे, परंतु राजा इल के सभी सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए थे। वह सारे सैनिक एक बार अपने स्त्री रूप में विचरण करते हुए चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए थे। बुद्ध जी ने उन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा था कि तुम सब किंग पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किन पुरुष पतियों को प्राप्त करोगी। बुद्ध की यह बात सुनकर वह सभी स्त्री रूपी सैनिक उस पर्वत पर रहने लगी थी।